अब सबसे पहले हमने ये पेशेंट नेम डालना है, पेशेंट नेम, देन एज, इस तरीके से सही। फिर हमने पेशेंट आईडी जो भी यहाँ पे है वो डालनी है। फिर यहाँ हम आ जाएंगे सेक्स, मेल और फीमेल, फीमेल या मेल वो आपने करना है। उसके बाद आपने ये ग्रीन बटन पे नेक्स्ट करना है, सही है। फिर ये मेन्यू आ गया आपके पास, बॉडी पार्ट्स, आपको कौन सी बॉडी के हिस्से का आपको वो चाहिए एक्सरे। ऊपर ये पेरेंट मेन्यू है, हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, स्पाइन, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, ये सब यहाँ है, सही है। अब फर्ज करें हमने हाथ का करना है, अपर एक्सट्रीमिटी में आए, हैंड हमने यहाँ दे दिया, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये इधर राइट साइड पे हैंड आ गया। फिर हमने नेक्स्ट करना है, स्टार्ट स्टडी, ये स्टडी एरिया है। स्टडी एरिया में आपने क्या करना है कि राइट साइड पे आपके ये आ गया है हैंड, हैंड पे आपने यहाँ क्लिक करना है, ये ग्रीन हुआ, देन आपने इसको करना है, ये हो जाएगा वाइट, सही है, ये वाइट हो गया, ये एरो बना हुआ आना चाहिए और ये ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद आपने कैसेट लेनी है, कैसेट की पोजीशन ये होनी चाहिए, ये हिस्सा ऐसे नीचे होगा, ये ग्रीन एरिया जो है ट्यूब साइड एरिया ये आपकी साइड होगा, देन आपने इसको यहाँ लगाना है और राइट साइड पे करके जस्ट ऐसे नीचे जाने देना है, जितना ही नीचे जाएगा, चली गई। उसके बाद ये क्या आ गया, रीडिंग इमेज, प्ले लाइट ऑन हुई भी है, रीडिंग इमेज का वायर ये आ गया, स्कैनिंग के स्कैनर में आईपी जा चुकी है, अब वो स्कैन हो रहा है। यहाँ आप देखें हाथ के हाथ ये इमेज आना शुरू हो गया, सही है। अब आप इस सब में अब इतने में इमेज आ रहा है, यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ आपने ये देखना है कि जब ये चार लेवल्स हैं, ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये ब्लू लाइट ऑन होगी, तो आपने पहले कैसेट निकालनी है, सही है। वहाँ स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, ये यहाँ से आईपी जो है इरेजर यूनिट में जा रही है, इरेजिंग स्टार्ट हो गई। अब ये फोर्थ लेवल पे आ जाएगी, मींस क्या लिखा हुआ रहा है यहाँ पे, रिमूव कैसेट, ये ब्लू लाइट ऑन है, अब आपने कैसेट निकाल लेनी है, कैसेट निकाल ली आपने, इसको आप रख देंगी सही। अब आपने कंप्यूटर पे आना है और यहाँ पे है ये QA, सही है जी, सही है। इमेज फर्स्ट करें, आपके पास इमेज आ गया, अभी ये खाली ब्लैंक इसलिए क्योंकि हमने एक्सपोज नहीं किया था अभी। अभी यहाँ पे आपके पास इमेज आ जाएगा, इमेज को आपने क्यूए में जाके सबसे पहले आपने मार्कर यूज़ करना है, लेफ़्ट राइट, ये लेफ़्ट और राइट यहाँ पे पड़े हुए, कोई सा भी आपने मार्कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, आ गया लेफ़्ट। उसके बाद आपने अगर इमेज को रोटेट करना है, लेफ़्ट 90 डिग्री और 180 रोटेशन, राइट 90, फ्लिप वगैरह ये सब है, फ्लिप को आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कैसेट को मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। उसके अलावा आप इसको कहीं भी उठा सकती हैं, ये ऐसे देखें अभी ये उठेगा नहीं, सही है। वापस आप मार्कर पे क्लिक करेंगी, उसके बाद इसको आप सेलेक्ट करेंगी, सेलेक्ट हो गया, अब ये मूव होगा कहीं भी, जहाँ आपने लगाना है वहाँ आपने इसको पेस्ट किया, उसके बाद आपने ओके कर देना है, सही है, ये ओके हो गया। उसके बाद आपका मार्कर वगैरह सब लग गया, आपकी रोटेशन या जो भी काम था वो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके हम आ गए यहाँ पे, सही है। अब यहाँ से हमने इधर जाना है, ये लिखा हुआ है,
कंप्लीट पे हमने क्लिक किया है, ये मेन्यू खुल गया। अच्छा ये मेन्यू आएगा, उसके बाद आपने आना है इधर, ये लिखा हुआ आएगा, देखें रिटर्न टू द लिस्ट स्क्रीन, आपने यहाँ क्लिक करना है, फिर ये लिस्ट आ गई। लिस्ट में आने के बाद अगर आप आती हैं यहाँ वेटिंग पे, तो आपने क्लिक करना है इधर टुडे पे, टुडे पे आपने क्लिक करना है, ये मेन्यू आ गया, आज के वो आ गए इमेजेस। ये टेस्ट हमने ये किया था अभी वाला, इसको हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इमेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी किया है टेस्ट अक्सा वाला, इसको हमने प्रिंट पे जाना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, ये ग्रीन होगा, सही है। प्रिंट पे कहाँ पे? वो मैं भी बता रहा हूँ, देखें ग्रीन हुआ ये। इसके बाद हमने आना है यहाँ, ये आ रहा है फ्री लेआउट प्रिंट, सही है। इस पे आके हमने ये क्लिक किया, इसके बाद ये विंडो आ गई, यहाँ आपका ये इमेज आया हुआ है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगी। लेकिन उससे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि फिल्म साइज कौन से पे निकालना है आपने। दो साइजेस हैं आपके पास, छोटी फिल्म पे छोटा निकालना है तो 8-10 पे निकालेंगे, बड़ा है तो 14-17। जैसे स्पाइन है तो हम LS स्पाइन को 14-17 पे निकालते हैं। ये आ गया, हमने 14x17 पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि फिल्म साइज विल बी चेंज, डू यू विश टू प्रोसीड, यस, सही है। अब हमने आके इमेज को डबल क्लिक करना है, इमेज इधर आ गया, सही है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अगर लेआउट बनाना है, दो बनाने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगी, सही है, राइट और लेफ्ट पे, फिर वो जैसे हैंड के होते हैं या रिस्ट वगैरह जो आता है उस पर आप एक ही फिल्म पे दोनों प्रिंट दे सकती हैं। चेस्ट है तो आपने ये सिंगल पे ही रखना है, ये सिंगल रहेगी। उसके अलावा क्या हो जाएगा फिर आपका, आपने यहाँ पे आना है, ये जूम इन है, ये जूम इन बटन है, इधर आएंगी आप, जूम इन होगा, और जूम आउट करना है तो आप वापस इधर आएंगी, जूम आउट पे क्लिक करेंगी, देन इधर आके जूम आउट। और छोटा इमेज आ रहा है एक्चुअल साइज़ पे चाहिए, तो ये है एक्चुअल साइज़ का बटन, इसको आपने प्रेस किया, यहाँ आए, इसको जस्ट क्लिक किया, ये एक्चुअल साइज़ पे आ गया, इसको आप पकड़ेंगी, क्लिक करेंगी और मूव कर सकती हैं। जी जी बोलें, सही है। उसके अलावा कंट्रास्ट वगैरह आपने इससे करना है, सही है, चेंज GA GS जो है इस पर आपने क्लिक किया, इधर आए, क्लिक करना है आपने, ऊपर लेके जाएंगी तो शार्पनेस होगी, नीचे लाएंगी तो ब्लर होता रहेगा, लेफ्ट लेके जाएंगी तो डार्क होगा, राइट लेके जाएंगी तो डार्क होगा, लेफ्ट लेके जाएंगी तो ब्राइट होगा, सही है, ऊपर लेके जाएंगी तो शार्प होता रहेगा, सही है। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपने यहाँ आना है, इस पर आप क्लिक करेंगी प्रिंट के लिए, आउटपुट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपने क्लिक किया, ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू प्रिंट प्रोसेस, यस, यस करेंगी प्रिंट हो जाएगा।